संसार रे मनीषर जीवन क्षणिक अलिक पाई केतेबेले तार केउ निश्वास शेष निश्वास हेबो केउ रात्रि ता पाई अंतिम रात्रि हेबो से कथा किए बा कहि पारिबो। मृत्यु भयर प्रथम कारण हेउची अज्ञानता। जेतेबेले मनुष्य एही अज्ञानतार उपलब्धि करिनेब कि मु किए आ मोर कण। मृत्यु भयर प्रथम कारण हेउची कण ना से जानिनी मु किए आ मोर कण। एही विराट प्रश्नर उत्तर न जानिबा कारणरु से मृत्यु को भय करिथाए। वास्तव रे देखिबा को गले मोर केही नुहंती कि मु कहारे नुहे। सबु तो मोर आउ पर केही नुहे कहार। जेतेबेले आमे एही मोर मोर शरीर भितरे समस्त को मोर मोर कहि बसिचु जहा को कहुचि मोर बोली से कण वास्तव रे मोर। आमे आध्यात्मिक जगत रे टिके दृष्टिकोण को संकीर्णता ठारु आहुरी ऊपर को नै जदि आलोकपात करिबा आमे एही सत्य रे निश्चिंत भाव रे उपलब्धि करि परिबा पहुंचि परिबा। मु जहा निज को भाबुचि मु ता नुहे। मु एही परिचय रु आउ टिके ऊर्ध्व को जाय जदि निज को देखिबी मोर आउ गोटे सुंदर परिचय मिलिबो से हेउचि प्रकृत सत्यर परिचय। आज एही शरीर भितरे जहा को मु रही मोर बोली कहुचि से शरीर भितर जेतेबेले गोटे जिनस बाहर कि चली जीव से घर लोक कहवाक लगे छुअना छुअना से घर लोक कहवाक लगे पाख को जाओ ना जाओ ना। अन्य कहि कहवाक लगे देखिले डर लगुच जी ये आदर रे सत्कार रे पाखरे बसोथिले शेषे जे छुअना बोली कही घृणा करी शबर ना देदेवे तार नाम चेंज होकर कहे शब बोली कहे मुर्दार बोली कहे पाख को जाना बोली कहे देखिले डर लगुच बोली कहे तेबे एबे कहतु तो किए कहार किए मोर किए पर सबकि मर आउ पर। ए सृष्टि नाटकशाला नाटक रे अभिनय करुवा मु जने अभिनेता बा अभिनेत्री रोल केवल मत करने वस्त्र पिंधा पड़ू जमती गोटे नाटक चलती से नाटक रे जने राजा रे रोल करुच्ची निश्चित भाव रे राजा ही वस्त्र परिधान करने पड़ो एवं से व्यक्ति अन्य एक नाटक रे गोटे भिकारी रोल करुच्ची निश्चित भाव रे भिकारी रे रोल पाई भिकारी रे वस्त्र ही पिंधा पड़ो। ठीक से भली आत्मागण ए सृष्टि नाटक रे आज कहार बापार रोल करुच्ची तो बापा रोल करने बापा भली वस्त्र पिंधा पड़ू आज से देह त्याग कला तापर से अन्य एक घरे जाई से झियो रूप से जन्म नाक पड़ा तेणु से बापा रोल छाड़ी झियो रोल कला झियोर वस्त्र पिंधा पड़ा। तेणु एठी केही केबे चिरस्थायी नुहंती समस्त को निजर अभिनय सारी जीवाक पड़ी थाए दिने ना दिने निश्चिंत जीवाक पड़ी किंतु आमे माने देखी थाए जदि केही आत्मीयंकर निधन हुए ए खबर आमर कान रे बाजी जाए आमे तुरंत चमकी पड़ी थाए आश्चर्य मध्ये होई जाई थाए चली गला आहा केड़े सुंदर व्यक्ति थिला नहले आउ किछि भी मध्ये आमे कहिबा को लागी जाई थाए। किंतु देखा जाए ए सबु आश्चर्य होबार कारण मृत्यु पाई मनुष्य को भय आसे। मृत्युर भय रे मनीष भयभीत होई थाए किंतु आध्यात्मिक जगत रे प्रभु पिता परमात्मा आम आत्मा मानंकु एही सत्यर उपलब्धि करै दे थांती जे आत्मा केबे मरेनी कि मरिबो नाही। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी अदृश्य अविभाज्य शक्ति से केवल गोटिए वस्त्र परित्याग करी एक नूतन वस्त्रर परिधान करी थाए। एही दैनदिन जीवन यात्रा रे यदि प्रत्येक मनुष्य कर्मक्लांत जीवन रे से तार कर्म भितरे निजकु आत्मा भावी नब आत्मचिंतन करिब एवं परमात्मा का स्मृति रे रही तार कर्म करिब ताले मु मोर अनुभव रु निश्चिंत भाव रे आपण मानंकु कहिबी ताको मृत्युर भय केबे भयभीत करि पारिब नाही। उदाहरण स्वरूप जेभली टाइट वस्त्र पिंधितिबा व्यक्ति को जेतेबेले वस्त्र को ओल्हेबा को से इच्छा करे ताकु टिके कष्ट हेथाए किंतु जदि ढिला ड्रेस पिंधिची व्यक्ति जने जेतेबेले ड्रेस को से ओल्हौची ताको बड़ सहज लागुची। ठीक सेमती
जदि आम प्रतिदिन आत्मानुभूति आत्मनिरीक्षण आत्मा आत्मा बोली कर्म स्मृति आम करवा आम दैनदीन जीवन जात्रारे आत्मिक स्मृति आत्मबल को जाग्रत करी मनर बल को सृष्टि करी आम भितर मृत्युर भय को निश्चिंत भाव दूर करदेव एड़े मात्र सन्देह ना तेणु मृत्यु भयर मुख्य कारण गला कौन ना मु किए से जानी यही जाणवा यही उत्तर जोबले से पाइज स्वतप्रवृत भाव ताकू मृत्युर भय दूर हो चल तो मृत्यु भयर द्वितीय कारण हूँ कौन से जानी कि आत्मा देहत्याग कला से कुआडे जाए आउंठी जाए आमती से जन्म नवा को हुए जोबले से यही कथा बुझीजीव से भितर मृत्युर भय दूर होनेक व्यक्ति संसार रे कही था जदि मनीष जीवन काल भितर बहुत पाप करे ताहले से आउ थे जन्म ने कुकुर बिलई पोक जोक कीट पतंग जन्म नेब किंतु पिता परमात्मा आमको यही सत्यतार उन्मोचन कर बुझेदेई आत्मा केते भी पाप करूना कहीं से केवे पशुपक्षी कीट पतंग जन्म हम ना पुनर्बार से मनुष्य जोनि आसव देह धारण करिव तार कर्मर फल को भोगिबापाई एक कथा केही अस्वीकार करिपारिबे नाही ए हेउची कर्म सिद्धांत दुनिया रे विद्वान पंडित आचार्य हुवंतु वैज्ञानिक माने हुवंतु आध्यात्मिक जगत हेउना काहेकि ए सत्य को समस्ते मानिबा को बाध्य मनुष्य मृत्युवरण कला परे से तार पाप आउ पुण्य को भोगिबापाई पुनर्बार मनुष्य जोनि रे ही आसीबा को पड़िव आपण माने अनुभव करि देखिथिबे संसार रे आमे देखुचे आज गोटे शिशु जन्म ने बड़ धनी घरे जन्म नहीं बड़ आजाद रे जीवन जापन करुची माँ बापा ताको टिके तले थोइबा को भी दौना ठीक आउ जन शिशु से दिन से मुहूर्त आउ गोटे जगार जन्म नहीं गोटे झोपड़ी भितर कुटिया भितर जन्म नहीं गरीब घरे जन्म नहीं बापा माँ का पाखरे से पिला पाटी पा देवाई क्षीर टिके दबापाई समर्थ ना शक्ति ना तो एबे आपण विचार करी कहतु ए अंतर काहीकि जड़े से ही शिशु से ही समय रे जन्म नेला अन्य जने भी सही समय रे सही शिशु जन्म नेला किंतु दुई जन को एते अंतर काहीकि एई कथारु आपण माने बुझी पारुथिबे मनुष्य जन्मर ए जो पार्थक्य तार पाप आ पुण्य से पाप पुण्य को भोगिबापाई मनुष्य को निश्चिंत भाव में मनुष्य जोनि ही आसवाक पड़ के पशुपक्षी कीट पतंग आसवाक पड़बानी आपण देखु मु जन्म कि भल काम करनी मोर यही जन्म पाप करी जीवन जदि बीतीगला आउ गोटे थर जन्म नेला बेलू मु गोटे पक्षी जन्म नेली तेब कहतु तो मत मो पापर फल कौन मिलला कितु यही जन्म ये हाथ में कि भल काम कलिनी पुण्य अर्जन कलिनी समस्त को मारिली दुख देली मर्डर कली ताहले निश्चिंत भाव आउ गोटे थर जन्म ने मत यही सुंदर हाथ भगवान आउ देवे मत बड़े दुखपूर्ण जीवन जापन करने को पड़ हाथ नधारू हाथ कटिजी कौन सी कारण हाथ नो कष्ट मत भोग तेणु संसार को भगवान आमको पठाई केते सुंदर पार्टी केते सुंदर आखि दुईटी केते सुंदर कान दुईटी ये मनीष सद उपयोग करवा शिखा दरकार जदि तार सद उपयोग आम नकले असद व्यवहार कले एत सुंदर आखि देखि आखिरे माँ भौणी को उचित सम्मान दे पारानी एत सुंदर मुखटे देलापर जदि ये मुखरे क्या मधुर वचन कही पारानी एत सुंदर कान दुईटा देलापर से कान में आम टे भल कथा शुणापाई भगवान को कथा शुणापाई आग्रह प्रकाश नक परर निंदा चुगुली खच मिछ शुणापाई आग्रह रखिले कान से कथा सब शुणिला ताहले जीवन काल रे अनेक पाप हो गला आ से पापर परिणाम स्वरूप आज नुहे तो काली आमको निश्चिंत भाव में मनुष्य जोनि ही भोगिबा को पड़िबो एतिरे तीरे मात्र संदेह ना मु से विषय में आपण मानक गोटे सुंदर कहानी सुनैबा को इच्छा प्रकाश करुची दुई जन बिलुआ बड़ सांग थिले सबुदिन सांग हो जाती आहार करिबा को करी घर को फेरती दिने बड़ बिलुआ सानक सहित जिते बड़े मिसिला कहला अरे भाई तू कुआडे जाइथिलु
मुते समय तेन बस तू आसिले आम दीज खाइबू जाते तू कौटे जा मत भारी भोक है चल तो टिके जीबा खाई करी आसीबा तो सान बिलुआ कहला कौटी की जीबा ना तू कौटी किसी देखनु पड़ी आम जाते सान बिलुआ कहला अरे भाई बहुत दूर रे देखी थी किए गोटे पड़ी किंतु किए पड़ी मुझे जानी ना तू जा तो टिके देखिकी आसबू सी आम खाइबार योग्य कि ना तामें जीवा सान बिलुआ गला बहुत दूर रे देखला गोटे पड़ी शबटे पड़ी लोक मैंने कपड़ा खंडे घोड़े देकर चली जाती सान बिलुआटी जमती जा मशाणी भूं पहुँचला ता पाटी दात कामुड़ी से लुगाटी को ऊपर को काढ़ला काढ़ी सारी देखला व्यक्ति भल ताजा अच्छी चल मुझे खाईदेवी खाइबा को जिते बी गोड़े मुह मारा तर्की किसी बाट पछक आसीगला पुणी आउ कि समय पर ढाई कौन भाविला के जानी पुणी जा हाथ में टिके मुह मारा पुणी भी तर्की पलै आसला पुणी ता पार्टी पाखक गला से मुह मारा पुणी भी तर्की पलै आसला शेषे कान में टिके मुह मारा पुणी भी तर्की पलै आसला पुणी निज दात से धला कपड़ा टी कामुड़ी पुणी घोरईदेला पुणी चली आसला चली आसी बड़ बिलुआ पाखे पहुँचला बड़ बिलुआ ताक पचारा आरे भाई तू देखी आसलु जीबा खाइबा सांग दुईज खाइबा तो सान बिलुआ कहला ना आम जीवानी ना कहीं जीवानी ना आरे भाई सी तो पापीटा लोक मैंने पापीटा को फोपाड़ दे जाती आम कहीं खाइबा आम ताक खाइबानी ना रे भाई तू जानू केमती से पापीटा बोली ना रे भाई मु प्रथम गली तार गोड़े टिके मुह मारि देख ली से एड़े पापीटा ता गोड़े से केबे कोटी भल जगह को चलिकी जाए तेणु मु गोड़ को खाइली तर्की पछक आसली पुणी गली हाथ को टिके खाई देवी बोली ता हाथ में जिते बड़े मुह मारि से एड़े पापीटारे भाई केबे भी जीवन काल में दान पुण्य करनी महत्कम कर्म कर हाथ में पुण्य अर्जन करनी तेणु मु हाथ को भी खाइली कहली चल पटी तो पुड़ाए खाई दिए ता पार्टी को खाइबा को गला तथापि तो तर्की पछक पलै आसला कहला अरे भाई मुता पार्टी को खाइबा को गली पुणी भी देखिली से एड़े पापीटा जीवन काल भितर केबे से कहा को सुखर दबापाई मीठा कथा बदे कहनी तेणु मुता पार्टी को खाइली रे भाई पुणी गली तार कान पाखक कान पुड़ाए खाइदेवी जिते बड़े कान में मुह मारि देखिली से एड़े पापी जीवन काल भितर कौटी टिके भल कथा शुणा भगवान ज्ञान शुणी निज कर्णरस नवा से कथापाई के प्रयास करनी केवल जीवन सारा से अगर खच मिछ चुगुली कथा शुणापी आग्रह प्रकाश करी तार कानर सुंदरता को नष्ट कर देजी तेणु आरे भाई से एड़े पापीटा ये मनीषता को फोपाड़ी दे जाइए आम कहीं खाइबा पापी को खाइले आमर भी पाप हो तेणु हे मोर भाई भौणी मैंने आपण मैंने कहानी शुणवर बुझीपे भगवान ए सुंदर सृष्टि को आमको पठाई केते सुंदर कर्म करने समस्त इंद्रिय गुड़िक जो दे बहुत सुंदर सुंदर देमें जदि तार सत् व्यवहार नक सत् उपयोग नक आउ थे भगवान जिते बड़े आमको जन्म देवे एभली सुंदर आखि सुंदर मुख सुंदर कान मिलवन आत्मा केवे मरे ना आत्मा केवे मरबना आत्मा जदि देहत्याग करे, से केवे पशुपक्षी कीटक पतंग हो जन्म हेना से पुनर्बार मनुष्य जोनी आसब आ तार कर्मर फल सुख आख ताक भोगवाक पड़ अन्य कहारी को नुहे कथार कहती ए हाथ में करा पापकर्मर फल को ए हाथ को भोगवाक पड़े ना पुनर्बार यही हाथ को ही भोगवाक पड़े जदि मो पापकर्मर फल मत ही भोगवाक पड़ी मोर बाप माँ को नुहे कि भाई भौणी को नुहे ताहले कहीं मु जीवन काल में पुण्यकर्म न करी जदि एबार मु सचेतन नहबी ताहले आगामी दिन में मत बड़ देहत्याग कला बड़े बड़ जंत्रणा कष्ट दुख भोगी पश्चातापर घड़ी शरीर त्याग करने को पड़ मनीष भितर जिते बड़े यही ज्ञान न थाए आत्मा देहत्याग कलापर तार गति के आड़े तेणु ता भितर मृत्युर जंत्रणा एवं भय सृष्टि होता है मृत्यु भयर तृतीय कारण हेउची पाप कर्म मनीष जीवन काल भितर जो किछि कर्म करी थाए अनेक कर्म से देह अभिमान वशवर्ती निजकु देह भावी करी थाए तेणु तार
अनेक कर्म पाप कर्म रे परिणत हुए, किंतु जेते बड़े लास्ट समय आसी पहुंची जाए, जीवन काल भितरे करिथिबा समस्त पाप कर्म गोटिए परे गोटिए तार मने पड़े एवं ता भितरे एक मृत्युर जंत्रणा एवं जम जंत्रणा सृष्टि हुए एवं से जंत्रणा रे से छटपट हवाकु लागे एवं ताकु ही कहा जाए जम जंत्रणा बा जमपुरी बोली कहा जाय थाए एवं से जंत्रणा रे से छटपट है विकट रे से तार नाती नातुणी पुओ झियो ज्ञानती कुटुंब को डाक पकाए मुटिके देखिबी तमे डाक समस्तंकु जेतेबेले समस्ते आसंती व्यक्तिर यही अवस्था लास्ट समय रे देखंती से माने भावंती बोधे ये वर्तमान आमको छाड़ी चली जीव तेणु ता पाखरे आनी गीता पाठ करंती भागवत पढ़ंती एवं रामायण पुराण आदि ता कान पाखरे सुनई थांती भावंती लास्ट समय रे जदि कानरे टिके भगवान कर कथा पड़ी जीव हुए तो आकु मुक्ति मिली जीव किंतु भावंतु तो जदि लास्ट समय रे मनीष कानरे भगवान कर नाम पड़ी गले ताकु मुक्ति मिली जीव बोली भावुछे जीवन सारा पाप करी करिका आसिले जीवन सारा कर्म उपरे टिके भी ध्यान देलेनी किंतु मृत्यु समय रे राम नाम पड़िले भगवान को ना टिके पड़िले कण मुक्ति मिली जीव मनीष मनर एई भावना रहिचि सेथिपाई ता पाखरे गीता भागवत पढ़ुचि किंतु जदि जीवन थाउ थाउ सबुदिन आमे भगवान कर कथा ए कानरे पकेबा ताहले मु मोर अनुभव रु निश्चिंत भावरे कहिबी जीवन रे केबे पाप हब नाही मृत्यु को डर आसीब नाही मनीष जेतेबेले जीव ए दुनिया रु हसी हसी विदाय नै जीव सेथिपाई कबीर कहंती हे मनु ऐसा कर्म करो जब तुम संसार में चले जाएंगे तो संसार तुम्हारे लिए रोता ही रह जाएगा ऐसा कर्म ना करो जब तुम संसार में चले जाएंगे जग तुम्हारे लिए हंसता ही रह जाएगा तेणु से भली श्रेष्ठ कर्म करेबा पाई परम पिता परमात्मा कड़ीर अंतिम समय रे आम समस्त को आसी चेतावनी देउचंती कि निज को आत्मा भावी कर्म कर ताहले तमे निश्चिंत भावरे पापरु मुक्ति मिली जीव आम माने आउ मध्य देखिचे केही जने महात्मा जदि देह त्याग करुचंती से समय रे सेही जागारे केही कांदंतिनी वातावरण बड़ शांतिपूर्ण थाए समस्ते एक नीरव भावरे प्रार्थना करिथांती मु ए विषय रे आपण मानु गोटे छोटिया कहानी सुनाउची थरे जने बापा आउ झियो दुई जना गोटे घरे रहुतिले बापा बहुत भल पांती तांक झियो को दुई जन बाजार को जाइथिले अचानक झियर एक्सीडेंट रे मृत्यु हो गला बापा झियो को छाड़िला परे जेउठी बसंती ना काहेकि तांको झियो तांकर बारंबार मने पड़े सब बेले से झियो को मने पकांती आउ कांदंती एमती अनेक दिन बितेबा परे दिने बापा सोई सोई तांको झियो कथा भाबुथिले आउ से देखिले तांको झियो गोटे बहुत सुंदर दुनिया रे अछि आउ से दुनिया परी मानंकर दुनिया सेठी तांको झियो बेला आउ केते जण परी बुलुचंती आ तांको झियो भी मध्य सेठी बुलुची बापा झियो पाखु जाइंकिरी टिके देखा करबा को चाहिले किंतु से देखा करबा भितरे से एको देखिले तांको सबु झियो मानंको हातरे अर्थात सबु परी मानंको हातरे गोटे लेखा कैंडल रहिची किंतु तांको झियो हातरे जो कैंडल टी अछि से लिभि जायची अन्य मानंकर कैंडल बहुत भलो भाबरे जळुची से झियर कैंडल लिभि जाइथिबार देखि टिके दुखी हेले आ कहिले जाउची मो झियो को पचारिबे मा तो कैंडल टी काई लिभि जाइची जेतेबेले एतिकी भाबी झियो पाखु को गल्ले झियो को पचारिले मा तो कैंडल काई जळुनी त समस्तंको कैंडल जळुची आ तो कैंडल टी काई लिभि जाइची झियो कहिला बापा मो बहुत थरो कैंडल जळउची किंतु मो कैंडल लिभि जाउची तमे जेतेबेले मते मने पकई पकई कांदुच तम आखिर गोटे गोटे टोपा लुह मो कैंडल रो आलोक उपरे पड़ुची मो कैंडल टी लिभि जाउची तेणु बापा तम आखिर लुह ए कैंडल को लिभै दउची तांको बापा को बहुत खराब लागिला से कहले अच्छा सबु झियो मानंक हाथ रे कैंडल जळुची केते सुंदर देखा जाउची मो झियो रो कैंडल लिभै बारे मु कारण बनिबी नाही मा मु आज ठौ तो पाई केबे कांदिबिनी तेणु जीवन यात्रा रे निज आत्मीयंकर निधन रे दुखरे भांगी न पड़ी भय न करी जे प्रकृत ज्ञानीवान व्यक्ति बुद्धिवान व्यक्ति खुशी खुशी रे ताकु छुट्टी दबा दरकार
काहेकि ना आमे जदि जने व्यक्ति पाई कांदुचे ताहले ताकु अन्य एक जागा को जीवा पाई ताकु जो प्रस्तुतिकरण करिबा कथा सेथिरे तार व्याघात सृष्टि होउची से नूतन शरीरर अनुसंधान रे जाई पारुनी तेणु आमे समस्ते एही सत्यता को उपलब्धि करि सारिबा परे कि आत्मा केबे मरे नहीं कि मरिब नहीं से तो केवल गोटिए देह त्याग करि अन्य एक देह धारण करिबा को से आगभर होइताए एही सत्य को बुझि नेउथिबा व्यक्ति केबे मृत्यु को भय करि पारिब नहीं मृत्युंजय बनी मृत्यु उपरे विजय प्राप्त सहजरे करि पारिब तेणु आपण मानंकु ईश्वरीय निमंत्रण ए कथा आपण भूलिबे नहीं मृत्युंजय बनिबा पाई आपणकु हार्दिक स्वागत प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को ओम शांति। बसी छ बाबा मोर।